आपके किसी जिगरी दोस्त का फोन आया है। ओए, तुझे कैसे पता चला कि वह मेरा कोई जिगरी दोस्त है? साहब जी, वो पूछ रहा था कि जा जरा देख तो, वो नलायक पाजी डामेबाज ऑफिस में है या कहीं मटरगश्ती कर रहा है। मालिक साहब ने दिल्ली वालों की दीवानी होली से बचने के लिए बंबई का विमान पकड़ा। इन बंदों का कोई भरोसा नहीं है, नहीं रहूंगा। बंबई हवाई अड्डे पर कलमदास ने स्वागत किया। वे सड़ा पुत्र, गले लग जा, तू ही तो एक बंदों में बंदा है, बाकी सब नलायक है। होली की बधाई मालिक साहब। वे ऐसी खतरनाक चीज की बधाई न दे पुत्र, सर्दी लगती है ये। वो कलमदास की घड़ी ठहरे। उस रात वे अपनी चारपाई पर पसरे हुए बोले, बल्ले बल्ले मजा आ गया, ना होली का झंझट ना रंगों की खटपट, तू भी शरीफ मैं भी शरीफ, बंबई के सारे बंदे शरीफ, वाह क्या बिस्तर है। ओए टूटी मंजरी के नीचे रंग का टप, धोखा कलमदास, तुझे नौकरी नहीं करनी। नहीं छोड़ूंगा। माफ कर दीजिए मालिक साहब, सारी शरारत नौकर की है, उसने मुझे भिगोने के लिए चारपाई के नीचे बाथ टब छिपाया था, इत्तेफाक से आप भीग गए। मालिक साहब का मूड सही करने के लिए कलमदास उन्हें फिल्मी दुनिया की सैर कराने निकले। सारे शरीफ बंदे दिखते हैं, कोई होली नहीं खेल रहा। आप निर्जी कुमार जी, फिल्मी दुनिया के एक शरीफ इंसान, आपकी तरह यह भी रंग पानी और बाथरूम से दूर रहते हैं। बड़े खुशी हुई आपसे मिलके, आप जैसे कलमदास के मालिक साहब ऐसे मेरे भी मालिक साहब, यह फूल सुनिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, गुर नलायक बंदा। ओ मालिक साहब, मालिक साहब, दरअसल यह नौकर की गलती थी। ऐसे नालायक न कर रहे तो यहाँ नहीं ठहरना, हरगिज नहीं ठहरना। मालिक साहब को लेकर कलमदास खाज कपूर के यहाँ पहुंचे। बले बले सूरत से शराफत टपक रही है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। मालिक साहब जी, आपकी रंगी हुई सूरत देखकर तो मेरा दिल दर्द से करवटे ले रहा है जी, आइए मेरे बाथरूम में हाथ मुंह धो लीजिए। मालिक साहब खाज कपूर के बाथरूम में गए। यह कैसा नालायक नलका है, रंगीन पानी छोड़कर कपड़ों का भी सत्यानाश कर दिया। मालिक साहब माफ कर दीजिए, सब नौकरों की ही गलती है। आ जाइए मालिक साहब, दी केंद्र शरीफ इंसान है, नहीं आऊंगा। ये श्रीमान, ये मीठा मीठा रसगुल्ला आपका इंतजार कर रहे। आता हूँ, कहाँ है रसगुल्ला, यही तो मेरी कमजोरी है। ये रहा, मैंने ये खास तौर से आपके लिए बनाया है। पता चला कि रसगुल्ले की शक्ल में वह रंग भरे पानी की गोली थी। श्रीमान लगता है मेरे किसी नौकर ने शरारत की है, वैसे आपका क्या विचार है। जिस शहर में ऐसे नालायक नौकर बसते हो वहाँ नहीं रहना, दुखी मन न मेरे सुन न मेरा कहना। रुक जाइए मालिक साहब। वाह क्या सुहाना समा है, झूमते हुए पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट, रंग बिरंगे फूलों पर मस्त भंवरों का गुनगुनाना, झरनों की सुरीली आवाज, यूं लगता है जैसे प्रकृति अत्यंत मधुर संगीत सुना रही है। तुलिका, यह वातावरण मुझे भी संगीत छेड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तुरंत ही मेरे लिए कोई बढ़िया सा साज बनाओ। हमें लीजिए स्वामी। वाह एकदम वही बाजा तुम बना रही हो जैसा मैं चाहता था, अब तो आनंद आएगा। कमबख्त, ये तूने क्या बना दिया, ये बाजा है या तो? बेहुदा शोर सुनकर सारे पशु पक्षी भाग गए, तू कभी कायदे का काम कर सकती है या नहीं? गलती हो गई स्वामी। अब तू वही बना जो मैं कहूँ, मेरे लिए बढ़िया सा सितार बना, खबरदार कोई शरारत न करना। वही बनाऊंगी जो आप चाहते हैं स्वामी। ठीक है, अब मैं एक बढ़िया से शास्त्रीय राग पर सुर छेड़ूंगा, सारी प्रकृति झूम उठेगी। फिर तूने शरारत की, इस सितार के तारों में मेरी उंगली फंस गई, इसकी कठोर झंझनाहट से जो पशु पक्षी बचे थे वे भी भाग गए। हाय मेरी अंगुलियां, तूने पक्षियों का सत्यानाश कर दिया,
अब मैं तेरे पर भरोसा नहीं कर सकता। बस मुझे एक सीधी सादी सी बांसुरी बनाकर दे दे, मैं उसी से संतोष कर लूंगा। कमाल है, इतनी देर तक मैं बांसुरी के सुर छेड़ता रहा मगर कोई प्रशंसा करने नहीं आया। आहा, आखिर एक प्रशंसक आता दिख रहा है। जरूर इसे अच्छे संगीत की गहरी पहचान होगी। मुझे शाबाशी लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमबख्त, मेरी नींद खराब करने का इनाम यह ले। मैं आराम से ठंडी ठंडे हवा में सो रहा था कि तेरे शोरगुल ने मुझे डका डाला। यह ले एक और लात। न जाने हमसे कहां गलती हो गई। देवी जी, मैंने जब आपसे रुकने के लिए कहा तो आप क्यों नहीं रुकी। मगर हवलदार साहब, मैं तो रुकी हुई हूँ। मेरा मतलब है कि आप चौराहे पर क्यों नहीं रुकी जब मैंने आपको इस तरह हाथ दिखाया था। जवाब दीजिए। हाँ, मुझे याद आया, आपने हाथ तो ऊपर उठाया था। तो लेकिन मैं एक अध्यापिका हूँ, मेरे विद्यार्थी इसी तरह हाथ ऊपर उठाकर बाथरूम जाने के लिए पूछते हैं। मैंने सोचा कि शायद आप भी। चंद्रू, हमारे क्लब में सब कुछ है, सिर्फ एक म्यूजिकल ग्रुप की कमी है। हाँ, तुम ठीक कहते हो चिंटू, दूसरे क्लब में एक से एक अच्छे म्यूजिक ग्रुप है, हमारा क्लब बस यही मात खा जाता है। क्यों ना हम भी सब साथियों को जमा करके एक म्यूजिकल ग्रुप बना लें। मैं ड्रम बहुत अच्छी तरह से बजा लेता हूँ, मेरे घर में ड्रम भी रखे हुए हैं, वही मैं क्लब के लिए ले आऊंगा। मैं गिटार बड़ी अच्छी बजा लेता हूँ लेकिन मेरे पास गिटार नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्लब के पैसों से गिटार खरीद लेंगे। बस एक बार हमारा म्यूजिकल ग्रुप तैयार हो जाए फिर हम काफी पैसे कमा लेंगे। चलो अनुपम के घर चलें, क्लब के सारे पैसों का हिसाब किताब वही रखता है। हाँ चलो अनुपम के घर। तुम लोग किस दुनिया में रहते हो, इतना नहीं जानते कि अपना क्लब कितने घाटे में जा रहा है, एक भी पैसा नहीं है। ओह, यह तो हमने सोचा ही ना था कि हमारा क्लब कितनी कड़की में चल रहा है। अब क्या किया जाए। करना क्या है, म्यूजिकल ग्रुप को मारो गोली। पहले किसी ड्रामे या चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, उसकी टिकट की बिक्री से जो लाभ होगा उससे हम बाकी सास खरीद लेंगे। यह आइडिया एकदम बकवास है, पिछली बार भी अपने क्लब ने इस तरह के आयोजन किए थे और भारी घाटा उठाया था, कुछ और सोचो। तब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है, क्लब के सदस्यों के पास जो जो साज है उसी से फिलहाल प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, बाकी धीरे धीरे अपनी पॉकेट मनी से साज खरीद लेंगे। वाह चंद्रू, तुम्हारी भी अकल का जवाब नहीं, हम कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और अगले दिन जिसके पास जो साज आता है ले आते हैं और फिर बजाने लगते हैं एक गगनभेदी संगीत। पड़ोस के सब घर में। सत्यानाशियो, बंद करो ये बेसुरा राग। ओह, ये पत्थर किसने मारा, ड्रम लुढ़का दिया। अरे ये तो लुढ़कता ही जा रहा है। पास ही एक लुटेरा बैंक लूटकर भाग रहा था। आ, ये क्या। और उसके बाद में उस लुटेरे को पकड़ने के पूरे 10,000 रुपए मिले हैं। अब हम बाकी के साज भी खरीद सकते हैं। बबलू ने आजकल एक कुत्ता पाल रखा है जिसे वह जासूसी की ट्रेनिंग दे रहा है। सुंगो सुंगो। ओ नालायक, मैंने इसे सूंघने के लिए कहा था, चबाने के लिए नहीं। तभी बबलू का एक दोस्त हरीश उससे मिलने आया। इस गधे को क्या सिखाया जा रहा है भाई, तुम गधा कहकर मेरे कुत्ते का अपमान कर रहे हो। तुम जानते नहीं कि बहुत ही जल्द जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा चुस्त और होशियार जासूस बनने वाला है। बबलू, मेरा दोस्त शरद बहुत दुखी है, तुम्हें तो मालूम है कि वह अपनी विधवा और अमीर चाची के साथ अकेला रहता है। पिछले कुछ दिनों से उसके घर में अजीब किस्म की चोरी हो रही है। हरीश के साथ बबलू शरद के यहाँ पहुँचा। हर सुबह मेरी चाची को अपनी कोई न कोई कीमती चीज कम मिलती है, घर का दरवाजा बंद रहता है और चीज गायब हो जाती है। कल सवेरे उन्हें अपना एक बेहद कीमती नेकलेस गायब मिला। मजे की बात यह है कि नेकलेस के साथ ही उनकी एक पांव की चप्पल भी लापता है। पुलिस में रिपोर्ट की। हाँ, पुलिस चोर का पता नहीं लगा पा रही है, बस रोज आती है और खा पी कर चली जाती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि चाची को मुझ पर ही शक होने लगा है। वैसे उनका शक करना स्वाभाविक ही है, घर में उनके और मेरे सिवाय कोई तीसरा रहता भी नहीं। आपका क्या विचार है चाची जी। की दशा पुत्र, गर्दा भेदी लंका ढावे वाली बात पै गई। राती नू इस दराजे विच नेकलेस उतार के रखी सी, सवेरे वेख्या तो गायब। अब तू खुद दस मैनू किसनू चोर कहा।
बबलू चाची को तसल्ली देकर अपने कुत्ते के साथ बाहर आ गया। सूंगो जैकी। जैकी इतना तो समझ गया कि उसे किसी के पैरों के निशान सूंघने के लिए कहा गया है। वह गर्दन झुकाए दौड़ने लगा। शाबाश जैकी, बढ़ते रहो, शाबाश, कीप इट अप। नालायक, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करके छोड़ेगा। सब यही समझेंगे कि मैं तुझे खाने को नहीं देता। बबलू की फटकार पर शायद बुरा मानकर वह इधर उधर टहलने लगा और बबलू यह सोचकर उसके पीछे लगा रहा कि शायद चोर तक उसे पहुंचा ही दे। कमबख्त, अब पेड़ पर क्या देख रहा है? चोर क्या ऊपर चढ़कर बैठा है? मगर कुत्ते का फौंकना जारी रहा। लेकिन ऊपर से सिर्फ एक चील है और चील का एक घोंसला है। अरे वाकई कुछ और भी है, उसकी चोंच में कुछ है, शायद नेकलेस ही है, अभी पता लगाता हूँ। उसका साथ दिया जैकी ने। शोर और पत्थर से घबराकर चील जब उड़ी तो नेकलेस उसकी चोंच से छूटा और बबलू उसे कैच करने के लिए तैयार था। कीचड़ में सना हुआ नेकलेस, लगता है चील इसे नदी किनारे किसी गड्ढे से खोद कर लाई है। जब शरद की चाची ने उसे देखा, हाँ ये सड्डा जड़ाऊ नेकलेस, मेरी बाकी कीमती चीजें भी मिल गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बाकी चीजें मिल जाए, मगर एक शर्त के साथ। की पुत्तर? आप अपने भतीजे पर शक करना बंद कर दें। मैनू मंजूर हैगी तुहाडी शर्त। आजकल महंगाई तो आसमान छू रही है। यही सामान मैं पिछले महीने 400 रुपए का लाया था और इस बार वही सामान 600 रुपए का। यह जो जो अपने स्केट्स हर जगह फेंक कर रखता है, चाचा पागले बेटा जोजो, वरना आज तेरी खड़िया खड़ी है। उस दिन शाम को, अच्छा यार गौतम, अब तो मुझे घर जाना ही होगा। चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाइयो। कुछ देर बाद घर में, लगता है डैडी सो रहे हैं और इस बार जोजो वहां रखे अपने ही स्केच पर से फिसल गया। आई कहो मेरे लाल, कहीं चोट वोट तो नहीं आई? खबरदार, जो आज के बाद मैंने तेरे खिलौने घर में इधर उधर पड़े देखे। और कान खोल कर सुन ले, कल मालिक साहब और उनके कुछ दोस्त हमारे यहाँ खाने पर आने वाले हैं, इसलिए तू घर के पिछवाड़े में ही रहेगा, क्योंकि पता नहीं तू कब क्या खुरापात कर बैठे, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो निश्चय ही कुछ गड़बड़ करेगा। और खबरदार, जो तूने घर के पिछवाड़े में भी कोई उल्टी सीधी हरकत की। अगले दिन बेचारे जोजो को घर के पिछवाड़े में बिठा दिया गया। यह तो ओपिंग पार्टी डीलर का नौकर लगता है, किसी बिचकाने वाले के जान पे पोस्टर लगाने जा रहा है। रामू, तू थका सका सा लग रहा है, तू घर जा, मैं तेरे पोस्टर उस मकान के बाहर लगा दूंगा। सर? हाँ हाँ तू जा। इब के आए गो मज्जो। बिकाऊ है मकान, बिकाऊ है, बिकाऊ है। और जोजो ने सारे पोस्टर अपने ही मकान के पिछवाड़े में लगा दिए। कुछ देर बाद, यह भी मकान बिकाऊ है। मैं हूँ ब्रिगेडियर बरगद बलवान बिलुजा, हाउ आर यू? लगता है मालिक साहब ने अपने कुछ दोस्तों को सीधे यहीं का पता दे दिया है, इसलिए कुछ लोग सीधे यहीं आ रहे हैं। आइए आइए ब्रिगेडियर साहब, लीजिए कॉफी लीजिए।